हरिओम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि टेक्स्ट को क्या-क्या ऑप्शंस हमें मिलते हैं पिक्सेल लैब में, वो हम देखेंगे। टेक्स्ट को कैसे चेंज कर सकते हैं और उसके अंदर में क्या-क्या चेंजेस कर सकते हैं, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। मैंने बैकग्राउंड वाइट कर लिया है, ए को क्लिक करिए, नया टेक्स्ट ऐड करिए। टेक्स्ट के साथ में यहाँ पे एडिट का ऑप्शन है, जहाँ पे हम टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं। टेक्स्ट को हम कैपिटल में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करिए, टेक्स्ट कैपिटल में कन्वर्ट हो गया है, अपर केस में कन्वर्ट हुआ है। ओके कर। टेक्स्ट को एडिट करने के लिए यहाँ पे भी ऑप्शन होता है, यहाँ से भी हम उसे एडिट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन डिलीट है, तीसरा ऑप्शन कॉपी है। कॉपी करने से और एक कॉपी बन जाएगी। टू फ्रंट टू बैक, यह ऑप्शन लेयर्स रिलेटेड है, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। पोजीशन, प्रीवियस वीडियो में हमने पोजीशन के बारे में पढ़ा हुआ है, सीखा हुआ है। पोजीशन को क्लिक करने के बाद हम पोजीशन राइट या लेफ्ट में मूव कर सकते हैं। रिलेटिव पोजीशन, पोजीशन को पेज के सेंटर में लाना, हॉरिजॉन्टल सेंटर में लाना, ये सब चीज़ें हम ये पोजीशन का आइकॉन सेलेक्ट करके कर सकते हैं। इसमें से एक डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे भी डिलीट का ऑप्शन है शॉर्टकट की। इसको टैप करिए तो वो सेलेक्ट होगा, तभी हमको ये ऑप्शंस दिखेंगे। साइज़ का ऑप्शन है, यहाँ पे हम साइज़ बड़ी या छोटी कर सकते हैं। पैडिंग का ऑप्शन है, ये जो बाउंडिंग बॉक्स है उसके कॉर्नर से पैडिंग मिल सकती है, मतलब उतना वो एरिया आगे जाएगा। यहाँ पे हमें पैडिंग मिली है, अगर ये साइड में पैडिंग चाहिए। कभी कभी कुछ टेक्स्ट बॉर्डर्स में अधूरा सा दिखता है, पूरा दिखता नहीं है, तब यह पैडिंग हम यूज़ कर सकते हैं। कलर, टेक्स्ट को कलर दे सकते हैं। अगर हमें कुछ पार्ट को दूसरा कलर देना है, सपोज इसमें से ओम लिखा हुआ है उसे पिंक कलर देना है, तो ये सिलेक्शन में हमको बाद में चेंज करना चाहिए। सिर्फ ओम को सेलेक्ट करिए और फिर दूसरा कलर टैप करिए। ओके करिए। टेक्सचर कैसे देना है ये हमने प्रीवियस वीडियो में देखा हुआ है। ये ओपेसिटी है, ओपेसिटी मतलब ये कितना क्लियरली दिखेगा या फेंट होते जाएगा। ट्रांसपेरेंसी भी कह सकते हैं, कितना ट्रांसपेरेंट होते जाएगा। ओपेसिटी को क्लिक करिए, रोटेट का ऑप्शन है, इसे हम रोटेट कर सकते हैं। अगर हमको रोटेट गलत हुआ है, यहाँ पे -2 डिग्रीज रोटेट हो गया है, हमको वापस सीधा करना है, तो यहाँ पे क्लिक करिए, मास्क
हम कितना एरिया मास्क कर सकते हैं, मतलब हमें दिखेगा नहीं उसके पीछे का एरिया। यहाँ पे इन मास्क है, यहाँ पे आउट मास्क है। इन मास्क को क्लिक करने के बाद जितना एरिया इसने सेलेक्ट किया हुआ है उतना एरिया दिखेगा नहीं, और आउट मास्क में जितना एरिया सेलेक्ट किया है उतना ही दिखेगा। मास्क को क्लियर करते हैं। फॉन्ट्स हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा है कैसे फॉन्ट यूज़ करना है। अभी ये फॉन्ट है। स्टाइल, स्टाइल में कैपिटल और ये इटैलिक स्टाइल और ये अंडरलाइन बोल्ड हो गया, इटैलिक अंडरलाइन। अगर अगर हमने स्टाइल कुछ अप्लाई किया हुआ है और वो स्टाइल हमको निकाल देना है तो इसे क्लिक करिए तो टेक्स्ट पहले जैसा हो जाएगा। कर्व ऑप्शन, अगर हमको टेक्स्ट किसी सर्कल के आजू बाजू में रखना है, सेंटर में फ़ोटो है और उसके आजू बाजू में हमें कुछ ये मटेरियल, ये कंटेंट, रिटर्न कंटेंट हमें रखना है तो ये कर्व का ऑप्शन है। ऐसे हम टेक्स्ट को कर्व कर सकते हैं। कर्व हमें नहीं चाहिए तो ये अंडू का बटन है उसे क्लिक करिए। कर्व कुछ परसेंट में करना है और हमें उतना याद रखना है तो ऐसे भी हम कर सकते हैं, यहाँ पे प्लस या माइनस का बटन यूज़ करके अंडू करते हैं। टेक्स्ट बैकग्राउंड एनेबल कर लो। आप देख सकते हैं कि ये टेक्स्ट के पीछे कुछ बैकग्राउंड आया है, ये पिंक लेते हैं लाइट कलर। सो ये बैकग्राउंड देता है, जितना भी हमारा बाउंडिंग बॉक्स है उतने में कलर देगा। अभी ये हमें लेफ़्ट पैडिंग बढ़ानी है। लेफ़्ट पैडिंग मतलब लेफ़्ट साइड में इस बाउंडिंग बॉक्स के बाहर भी लेके जाना है तो यहाँ पे क्लिक करना है, और राइट साइड में यहाँ पे। और एक ऑप्शन इसमें है, ये जो कॉर्नर्स है उनको राउंड शेप करना है तो उसके लिए ये रेडियस ऑप्शन है। ऊपर से हमको इसके हाइट बढ़ानी है तो टॉप पैडिंग को क्लिक करिए। नीचे से हाइट बढ़ानी है तो इसको क्लिक करिए, ओके करिए। अब ये बैकग्राउंड हमने दिया हुआ है उसे निकाल देना है तो इसे क्लिक करके यहाँ पे डिसेबल कर दीजिए। ये अलाइनमेंट है, अगर हमारा टेक्स्ट बड़ा है अभी हम अलाइनमेंट देख सकते हैं। ये सेंट्रल अलाइनमेंट है, सारे चीज़ एक लाइन में अलाइन हो जाएंगे। ये लेफ़्ट साइड अलाइनमेंट है, लेफ़्ट साइड में अलाइन हो गए हैं। सिमिलरली ये राइट साइड अलाइनमेंट है। ये जस्टिफाई अलाइनमेंट है, बहुत सारा टेक्स्ट होगा तो सारा ये एक स्क्वायर शेप में आएगा। यूजुअली हम लेफ़्ट साइड अलाइनमेंट से हम लेटर्स वगैरह लिखते हैं या कोई भी डॉक्यूमेंट लिखते हैं, और ये सेंटर अलाइनमेंट। स्पेसिंग,
ये लेटर्स में स्पेसिंग बढ़ाने के लिए है। यहाँ पे लेटर्स के अंदर में स्पेसिंग बढ़ते जा रहा है। ये वर्ड्स मतलब एक वर्ड और दूसरे वर्ड के बीच में स्पेसिंग बढ़ते जाएगा। अंडो करिए लाइन स्पेसिंग, एक लाइन और दूसरे लाइन के बीच में स्पेसिंग बढ़ते जाएगा। स्ट्रोक हमने प्रीवियस वीडियो में देखा है कि स्ट्रोक अप्लाई करने के बाद में, ये हमने रेड स्ट्रोक अप्लाई किया तो रेड में रेड हमें स्ट्रोक नहीं दिख रहा है, लेकिन ये पर्पल के अपोजिट में कॉन्ट्रास्ट में हमें स्ट्रोक दिख रहा है। ये स्ट्रोक शैडो ऑप्शन देखते हैं, एनेबल करिए तो हम देख सकते हैं कि जो टेक्स्ट सेलेक्टेड है उसे शैडो ऑप्शन अप्लाई हो गया है। कौन से कलर का शैडो है यहाँ पे हम डिसाइड कर सकते हैं। ये अभी फ़िलहाल बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक शैडो है, इसे चेंज करके हम रेड शैडो भी बना सकते हैं। शैडो की साइज़ बढ़ा सकते हैं, उसका ब्लर रेडियस बढ़ा सकते हैं। ये आउटर ग्लो ऑप्शन है, पीछे का जो शैडो है उसे हम ऑफसेट मतलब हमारे इमेज से राइट में या लेफ्ट में लेके जा सकते हैं। ये आउटर ग्लो ऑप्शन, और शैडो ऑप्शन, हमने इमेज या टेक्स्ट को ग्लो देने के लिए हमने यूज़ किया था। अभी आगे के जो ऑप्शंस है, इनर शैडो, एम्बॉस, पर्सपेक्टिव, रोटेट, 3D टेक्स्ट, 3D शैडो और रिफ्लेक्शन, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। हरिओम, श्री राम, अम्बद्य नाथ संवित।